अगर आपने थंबनेल देखा है तो आपने बिल्कुल सही देखा है। तो देखिए, आप काफ़ी लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर हमें वेबसाइट के बारे में बताइए, और वो वेबसाइट क्या है और किस तरह से आप वहाँ पे मतलब आपको किस वेबसाइट से आपको ई मुद्रा लोन आपको मिलेगा। तो ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों देखिए, आपको काफ़ी दिनों से काफ़ी यूट्यूबर बता रहे थे कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है, तो कोई वेबसाइट आपको नहीं दे पा रहा था। लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो वहाँ पे कोई वेबसाइट नहीं थी। लेकिन देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपके कि आपके सामने मैंने ई मुद्रा का जो वेबसाइट है वो ओपन कर रखा है। देख सकते हैं ऊपर www.mudra.org.in, इस तरह से वेबसाइट का नाम है, आप देखिए कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो देखिए, इस मतलब ई मुद्रा लोन का जो मतलब जो तीन टाइप के लोन है, इसमें थ्री टाइप के लोन्स है, तो उस लोन्स का नाम क्या है वो सब कुछ मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो वीडियो पूरा देखें और पूरा समझे कि किस लोन में आपको क्या मिलने वाला है। देखिए, तो इसमें सबसे पहले आता है शिशु के लिए आवेदन सूची की जांच करें। मतलब ये जो है शिशु योजना है, ये 1,50,000 तक के मेंबर के लिए है। और उसके बाद ये देखिए शिशु के आवेदन पत्र, उसके बाद देखिए शिशु के लिए आवेदन पत्र जो है वो है, उसके बाद देखिए किशोर और तरुण। मतलब इसमें देखिए किशोर और तरुण में फ़र्क क्या है वो मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, किशोर योजना जो है, तो ये जो योजना है, तो ये योजना है 1 लाख से 5 लाख के लोन कस्टमर के लिए। मतलब अगर आप 1 लाख से लेकर 5 लाख तक अगर आप लोन लेते हो तो आपको इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझिएगा। मतलब 5 लाख तक आप लोन लेते हो तो आपका उसके अंदर आता है, किसके अंदर, किशोर और किशोर के अंदर। उसके बाद देखिए तरुण योजना जो है, ये मुद्रा के अंदर ही है ये सारी योजनाएं। तो देखिए, ये तरुण जो योजना है उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, उसका भी यहाँ पे फॉर्म देखिए आपको PDF ऐप से डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद देखिए शिशु योजना का आवेदन पत्र भी आपको यहाँ से मिल सकता है। उसके बाद उस नीचे का आवेदन सूची जो आप जाँच कर सकते हैं, आपका लोन पास हुआ है नहीं हुआ है, तो वो भी है। तो देखिए, इस पोर्टल से आप वहाँ से आपका नियोजन है वो कर सकते हैं। ये एक पोर्टल है, इसके ज़रिए आप अपना आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तीनों भी योजना की सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो फॉर्म्स है ये आप लोगों को पहले डाउनलोड करने हैं, उसके बारे में पूरी जांच आप लोगों को देखनी है, उसके बाद ही आप लोगों को ये सारा काम करना है। देखिए नीचे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। मुद्रा ऋण का उद्देश्य देखिए, यहाँ पे मुद्रा ऋण का उद्देश्य क्या है तो आपको देख सकते हैं कि ये सामान्य लोगों के लिए है, जो गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उन लोगों के लिए ये जो है करियर के अपना करियर बनाने के लिए ये ई मुद्रा लोन जो वेबसाइट है SBI की, तो ये अपने देश के नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्टार्ट किया था। और ये ऑफलाइन था सबसे पहले, आप अगर जानते नहीं है, 2019 से ये 2015 से ये आप वेबसाइट चल रहा था। लेकिन तब ये था कि यह वेबसाइट ऑफलाइन था, किसी इस बारे में पता नहीं था। लेकिन देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जब से ये वेबसाइट ऑनलाइन किया, तो ऑनलाइन करने के बाद क्या हुआ कि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली। और देखिए, जानकारी मिलने के बाद आप देख सकते हैं कि कोई भी जो गवर्नमेंट का स्कीम होता है उसमें लोग जैसे मतलब वो लॉन्च होता है तो लोगों की भीड़ लग जाती है उसके पीछे भागने के लिए, मतलब आवेदन करने के लिए। जैसे आधार कार्ड जब बनाना स्टार्ट हुआ तो आपको पता है कि सारे लोग इकट्ठा जमा हो जाते थे आधार कार्ड बनाने के लिए। मतलब कितना दिक्कत आती थी आप लोग को पता ही है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इसी टाइप का इस एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट पर हुआ कि एक साथ अगर आप बहुत सारे लोग अगर एक वेबसाइट पर चले जाते हो तो उसका क्या हो जाता है, वेबसाइट हैंग हो जाता है या फिर उसका सर्वर एरर हो जाता है, क्योंकि लोड नहीं उठा पाता है। तो देखिए, अभी जो वेबसाइट है उसको मैंने आज डिटेल में जाना है। तो वेबसाइट की बात यह है कि वेबसाइट जो है वो वेबसाइट अभी मॉडिफाई के लिए गई है। जैसे जल्दी ही आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ बता दूं मैं कि ये जल्दी ही ये वेबसाइट स्टार्ट होने वाली है, जो ओरिजिनल वेबसाइट है ये। तो देखिए, ये भी मुद्रा लोन की वेबसाइट है, लेकिन आप इससे सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब ये भी एक अच्छी बात है, अगर आपका अप्लाई इससे अगर हो जाता है अप्लाई के लिए, देखिए पम्मी किट के लिए, मतलब ये यहाँ से आपको एक लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी खुद के लिए। देखिए पम्मी पोर्टल के लिए लॉगिन करें तो आपको सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों का यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आप लोगों को यहाँ से आप लोग आपका निवेदन भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका नाम डालना है, उसके बाद देखिए उसमें पासवर्ड डालना है, और उसके बाद आपको लॉगिन होना है। तो ये गवर्नमेंट मतलब देखिए ऊपर देख सकते हैं, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एक्स रेफरेंस एजेंसी लिमिटेड, मतलब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो आप लोगों को यहाँ पे सिंपल आपका यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, उसके बाद देखिए
आपको कब्जा मिला है उसको उसके डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। आप जिसके साथ ही आप लॉगिन हो जाओगे और अप्लाई लोन के लिए अप्लाई सिंपली आप लोग यही से कर सकते हैं। सो फ्रेंड देखिए, आपको ये इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है कि आप अगर आप चाहते हो ऑफलाइन करना तो आप ऑफलाइन के लिए आपको बैंक जाना है। बैंक जाके आपको वहाँ की जो ये है ऑफिसर से उनसे आपको बात करनी है। वो आपको बताएंगे कि ऑफलाइन अगर वहाँ पे स्टार्ट चल रहा है तो ऑफलाइन भी आपका जो लोन है 50,000 तक का वो शायद आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं मुझे खुद यहाँ पे 50,000 रुपीज़ का लोन मैं खुद ले चुका हूँ। तो देखिए इसमें आपको 0 इंटरेस्ट लगता है और आपको 1 साल के अंदर ये वहाँ से वापस करना होता है। या आप अगर स्कूल के लिए, स्कॉलरशिप के लिए या कुछ कोई बिजनेस डेवलप करने के लिए अगर ये लेना चाहते हो तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं और 1 साल के अंदर चुका सकते हैं। सो फ्रेंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो फ्रेंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोल दीजिए जय हिंद।